प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र की प्रभारी वीके सरोज बहन ने शनिवार को निकटवर्ती गांव इसरगढ़ में ब्रह्म कुमारीज के नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और शिव ध्वज को लहराया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। दीप प्रज्वलन में लाडवा सेवा केंद्र की इंचार्ज वीके ज्योति बहन, सेक्टर 13 सेवा केंद्र की इंचार्ज वीके शकुंतला बहन, पीपली सेवा केंद्र इंचार्ज वीके प्रेरणा बहन व वीके रेखा बहन ने उनका सहयोग किया। वीके सरोज बहन ने महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बताया कि परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें भोलानाथ भी कहते हैं, वे इतने भोले हैं कि हमसे कोई वस्तु वैभव नहीं लेते, अपितु हमारे अंदर की कड़वाहट, बुराइयों व कमियों को लेकर हमें सुख शांति का जीवन प्रदान करते हैं। हमें अपनी कमियों बुराइयों को छोड़ने का व्रत लेना है। मन की सच्चाई, बुद्धि की सफाई, ऐसे ही इस शिवरात्रि पर हमें सच्चाई के साथ मन बुद्धि की सफाई कर उसे स्वच्छ बनाना है। इस दौरान बीके ज्योति और बीके शकुंतला बहन ने महाशिवरात्रि पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कि गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाया। बीके प्रेरणा बहन ने पुष्प गुच्छ देकर सभी आई हुई बहनों का स्वागत किया। कुमारी निशा व बीके देशराज ने शिव के गीत से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बीके मधु बहन, बीके लता बहन, बीके रीना बहन, बीके सीमा बहन, बीके सिमरन व बीके संतोष बहन के अलावा कुरुक्षेत्र लाडवा व पीपली सेवा केंद्र के भाई बहन मौजूद रहे। भार तुम भक्ति का गीत है, सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, है ना? लेकिन तब सौंपा नहीं था, सिर्फ बोल रहे थे, तो अब बाबा ने सौंपना सिखा दिया और घर में रहना सिखा दिया। थोड़ी सी बात होती है, घर में झगड़ा होता तो कहते छोड़ के अब कहीं चले जाना। जो वाइफ है वो हस्बैंड को कहती है, क्या कहती है, तो कहते हैं यहाँ आ जाना सेंटर पे, है ना? अभी ये कहते हैं हमें यहाँ रख लो, जब झगड़ा होता है, जब ठीक होते हैं तो